नमस्कार दोस्तों, मैं राम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए सेवा में हाजिर हो गए एक नई प्रॉपर्टी लेके। दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 50 गज में जेड से बना हुआ डुप्लेक्स हाउस है दोस्तों, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है और 20 फीट के वाइड रोड पर रहने वाली है। 20 फीट का वाइड रोड मिलने वाला है दोस्तों विद कार पार्किंग के साथ। अगर आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली में जेड से मकान विद कार पार्किंग के साथ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, ये आपके लिए रहने वाली है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाली है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ का, जिसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 1 किलोमीटर के बीच में, 1.25 किलोमीटर के बीच में इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। दोस्तों मेट्रो कनेक्टिविटी आपको यहीं पर मिलने वाली है, चंद कदमों में आपको यहाँ पे मेट्रो के लिए ऑटो ई रिक्शा मिलने वाले हैं। दोस्तों सारी फैसिलिटीज के साथ हमारा ये मकान रहने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन हम लोगों ने आपके लिए बाहर छोड़ दिया, आप अपने नाम से करा सकते हैं। समरसिबल हमारी हर एक प्रॉपर्टीज में लगा होता है दोस्तों, और आईजीएल गैस पाइपलाइन यहां पे आ रखी है दोस्तों, सीवरेज लाइन भी आपको यहां मिल जाती है। एमिनिटीज की बात कर लेते हैं तो बच्चों के लिए आपको यहां पे सारे स्कूल्स मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे स्कूल मिलेंगे। आप अगर जिम चाहते हैं, बैंक चाहते हैं तो सारे आपको नियर अबाउट 400 से 500 मीटर के बीच में आपको एटीएम, जिम सब कुछ, यहाँ ग्रोसरी शॉप सारा कुछ मिलने वाला दोस्तों। मेन रोड यहाँ पे तकरीबन यहाँ से 200 मीटर के बीच में आपको यहाँ पे मेन रोड मिल जाता है दोस्तों। 50 गज जेड से बना हुआ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लोनेबल प्रॉपर्टी दोस्तों, ये आपके लिए रहने वाली है विद कार पार्किंग के साथ। दोस्तों देरी ना कर, सबसे पहले हम लोग इसका फ्रंट एलिवेशन देखेंगे। हम आ गए हैं अपना गली में, ये हमारी 20 फीट का आपको यहाँ पे रोड मिल जाता है दोस्तों। सीवरेज लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और आईजीएल गैस पाइपलाइन यहाँ पे आ रखी है दोस्तों। काफी बड़ा रोड रहने वाला है, 20 फीट का रोड रहने वाला है। इजीली आप अपनी गाड़ी अंदर खड़ी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने रैंप बना दिया, आप रैंप देखेंगे तो रैंप यहाँ पे बना हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, गाड़ी अपना इजीली आ सकते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फ्रंट की, आप फ्रंट देख सकते हैं ब्लैक व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे काफी अच्छा हमारा फ्रंट मिलने वाला है, 15 फीट का हमारा फ्रंट रहने वाला है। और ग्रिल की बात करेंगे तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी एसएस की, और हम लोगों ने यहाँ पे छज्जे पे आप देखेंगे तो हम लोगों ने वुडन कलर में यहाँ पे पूरा टाइल वर्क किया हुआ है और टाइल में यहाँ पे फास्टनर्स लगे हुए हैं, टाइल्स आपके गिरने वाली नहीं है दोस्तों। फ्रंट पे काफी ऊंचा और काफी मजबूत आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है। हम गेट की बात करेंगे तो गेट हमारा यहाँ पे दोस्तों पल्ले में रहने वाला है, डबल शटर्स में रहने वाला है, फोल्डिंग वाला गेट रहने वाला है। आप इसको दोस्तों फोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से ये फोल्ड हो जाता है, फोल्डिंग वाला हमारा पूरा गेट रहने वाला है दोस्तों। और तकरीबन रोड से 2.5 से 3 फुट ऊंची हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, पूरा ब्लैक ग्रेनाइट मिलेगा, 3 स्टेप मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, तीनों स्टेप आप देखेंगे ब्लैक ग्रेनाइट के रहने वाले हैं। ये हमारा काफी बड़ा पार्किंग एरिया मिल जाता है, आप अपनी इसके अंदर गाड़ी इजिली अंदर यहाँ ला सकते हैं, गली भी चौड़ी रहने वाली है और पार्किंग ईजी हो सकती है। ब्लैक ग्रेनाइट हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, ब्लैक ग्रेनाइट पूरा पार्किंग एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और पार्किंग एरिया में ही हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइट कलर में 4-4 फुट तक, आप तीनों साइड देखेंगे तो 4-4 फुट तक हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क करके दे रखा है, टाइल वर्क हमारा पूरा पार्किंग एरिया मिलने वाला है आपको। और पार्किंग एरिया में हम लोग आपको यहाँ पे फोर सेलिंग का डिजाइन वर्क भी करके दे रहे हैं, हमारा फोर सेलिंग का डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा फोर सेलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। ब्लू कलर की यहाँ पे एलईडी लाइट, फॉग लाइट सिस्टम सारा लगा हुआ है, फैन आप देखेंगे अच्छे क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का हमारे यहाँ पे फैन रहने वाला दोस्तों। हमारे जितने भी रूम रहने वाले सारे रूम में हम लोग आपको यहाँ पे फैन इंस्टॉल करके देने वाले हैं। ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया रहने वाला है, डायमेंशन 15x30 का है तो गाड़ी आपकी इजीली यहाँ पर आ सकती है दोस्तों, कार अपनी इजीली अंदर खड़ी कर सकते हैं और लेंथ भी काफी अच्छी मिलने वाली है। बात करते हैं रूम की तो नीचे पार्किंग के साथ हम लोग को एक रूम मिलने वाला है, एक वॉशरूम और एक किचन मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगा, जैसे ही मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगा तो पार्किंग से आपको जो आपका आगे का स्पेस मिलेगा तकरीबन 8 इंच आपको ऊंचा मिलेगा, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। और सबसे पहले हम लोग आपको यहाँ पे आपका किचन दिखाने वाले हैं, किचन देख सकते हैं नीचे हम आपको पूरा मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं, 2 किचन दे रहे हैं, दोनों मॉड्यूलर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको नीचे के वाला किचन दिखा दें, ये पूरा हमारा मॉड्यूलर किचन मिल जाता है आपको यहाँ पे, व्हाइट कलर एंड ग्रे कलर में आपको यहाँ पे पूरा सनमाइका वर्क मिलने वाला है, मॉड्यूलर किचन रहने वाला है, स्लैब ब्लैक ग्रेनाइट का मिलने वाला है, 2.25 फुट का आपको यहाँ पे स्लैब मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग का जो सिंक रहने वाला है, सिंक भी आपको यहाँ मिलने वाला है, और हमारे जो टैब रहने वाले हैं सारे अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पे टैब्स रहने वाले हैं। फ्रंट पे हम लोगों ने जो टाइल लगा रखी है, आप टाइल देखेंगे व्हाइट कलर में, काफी अच्छे लुक में आपको यहाँ पे आपको टाइल वर्क मिलने वाला है। नीचे ही हम लोगों ने आपको एक स्मॉल किचन भी दे रखा है, काफी अच्छा हमारा किचन रहने वाला है। बात करेंगे इसके बास्केट्स वगैरह की तो बास्केट में हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल ना देके पूरा प्रोफाइल वर्क दे रखा है, आप इसको यहाँ से अपना बाहर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टील में हमारा ये सारा बास्केट रहने वाला है। यहाँ भी देखेंगे तो पूरा प्रोफाइल वर्क में हमारी यहाँ बास्केट्स रहने वाली है। और जो हम लोगों को ऊपर आपके ये डोर वगैरह मिल जाते हैं तो काफी बड़े हमारे ये डोर रहने वाले हैं, आप देखेंगे जो हमारे डोर्स हैं काफी अच्छे क्वालिटी का हम लोगों ने यहाँ पे वुडन वर्क किया हुआ है, अच्छे क्वालिटी का हमारा पूरा वुडन वर्क रहने वाला है।
और सनमाइका काफी अच्छे क्वालिटी के हम लोग के यहाँ पे पूरा सनमाइका रहने वाले हैं दोस्तों। 50 गज में है, जेड से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस, लोनेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसमें आप बैंक से 70-80% लोन भी ले सकते हैं। हम लोग जैसे एंट्रेंस करेंगे अपने रूम के अंदर, सबसे पहले आपको जो गेट मिलेगा 3x6 का हाई ग्लोसी सनमाइका के साथ आपको गेट मिल जाता है। गेट का जो सनमाइका है वुडन कलर में, काफी अच्छे क्वालिटी का आपका सनमाइका वर्क मिल जाता है। सारे घर के अंदर आपको जो हैंडल लॉक्स मिलने वाले, अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे हैंडल लॉक्स मिलने वाले हैं। और विंडो आप देख सकते हैं, फ्रंट पे सारी आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। घर के अंदर वेंटिलेशन बिल्कुल ही नहीं रहने वाली। हम लोग जैसे अपने यहाँ से एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस करते ही आप देखेंगे नीचे आपको पार्किंग के साथ जो रूम मिलने वाला है, रूम का साइज भी काफी अच्छा है। यहाँ पे रूम का साइज मिल जाता है, डबल बेड आप लगा सकते हैं। फ्लोर पे आप टाइल देखेंगे तो आपको फ्लोर्स पे आप जो टाइल मिलने वाली है 2x4 की आपके अपने फ्लोर्स पे टाइल्स मिल जाती है। रूम का साइज काफी बड़ा मिल जाता है, आप डबल बेड इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। फ्रंट वॉल पे हम लोग यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स वगैरह लगा के देंगे। अभी ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर अभी कुछ फिनिशिंग वर्क होना बाकी है दोस्तों। अभी हम आपको इसको पूरा फिनिशिंग करके देंगे। 50 गज में जेड से बना हुआ मकान के अंदर नीचे कार पार्किंग के साथ आपको एक रूम, एक किचन और एक वॉशरूम मिल जाता है। ये हमारा पूरा रूम रहने। होल सेलिंग के डिजाइन की बात करेंगे तो ऊपर आपको देखेंगे पूरा फॉल्स सेलिंग का डिजाइन मिलने वाला है। फॉग लाइट सिस्टम इसमें कर दी, ब्लू कलर की LED लाइट वर्क इसमें आपको देखने को मिलेगी और अच्छे क्वालिटी का इसमें आपको फैन भी हम लोग लगाकर दे रहे हैं दोस्तों। सारे रूम के अंदर आपको फैन वगैरह मिल जाते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं अपना कूलर वगैरह लगाने के लिए और AC वगैरह लगाने के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरी विंडो दे रखी है। आप देख सकते हैं हमारी पूरा विंडो रहने वाली है। घर के अंदर वेंटिलेशन बटन बिल्कुल नहीं रहने वाली है, आप अपना इसमें कूलर, अपना विंडो, AC लगा सकते हैं। स्विच हम लोगों ने यहाँ पे आपके दे रखे हैं दोस्तों। और गेट काफी अच्छा मजबूत आपको यहाँ पे वुडन वर्क में आपको गेट मिलने वाला है। काफी अच्छा सनमाइका हम लोगों ने इसमें यूज किया, हैंडल लॉक काफी अच्छे रहने वाले हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे, जैसे हम लोग बाहर तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको किचन के सामने पूरा फॉल्स सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। पूरा फॉल्स सीलिंग यहाँ भी हो रखा है दोस्तों। ये आपको स्टेयर मिल जाती है हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिए। स्टेयर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक ग्रेनाइट और टाइल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे करके दिया है। स्टील की पूरी रेलिंग वर्क हम लोग आपको यहाँ पे लगा के देने वाले हैं। सीढ़ियों के नीचे ही हम लोगों ने यहाँ पे आपके दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन कर रखे हैं। दिल्ली जल बोर्ड समरसिबल के यहाँ पे कनेक्शन रहने वाले हैं आपके। और यहाँ पे आपको नीचे एक वॉशरूम मिल जाता है। जिसके गेट की बात करेंगे तो गेट हमारा PVC का रहने वाला है, 2.5x6 का हमारा गेट मिल जाता है। इंडियन पॉट के साथ नीचे आपको एक वॉशरूम मिल जाता है। पूरा इसके अंदर हम लोगों ने टाइल वर्क कर रखा है, पूरा देख सकते हैं टाइल वर्क इसके अंदर पूरा हो रखा है। एक छोटा सा मिनी आपको वॉशरूम मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंडो मिल जाता है दोस्तों। हम लोग अपना वॉशरूम से थोड़ा सा आगे निकलेंगे। हम लोग जैसे वॉशरूम से आगे हम लोग चलेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे। हम लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे तो नीचे के जो हम लोगों ने MCB बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आपके नीचे के MCB बॉक्स दे रखे हैं। हमारे यहाँ पे आपके MCB बॉक्स मिल जाते हैं। हम चलते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आपको आपका फर्स्ट फ्लोर भी दिखा देता हूँ दोस्तों। हम आ गए हैं अपना फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो हमारी टेरेस की स्टे रहने वाली है, वो सेपरेट रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं इसको 2-3 मंजिल बनाना तो आप इसको 2-3 मंजिल बना सकते हैं। एज ए रेंटल पर्पज से भी अपनी इस प्रॉपर्टी को दोस्तों यूज कर सकते हैं। हम लोग जैसे ही अपना अंदर आएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट मिल जाता है जो कि हमारा फोल्डिंग में गेट रहने वाला है। आप देख सकते हैं 3x6 का हमारा हाई ग्लोसी सनमाइका के साथ आपको यहाँ पे गेट मिल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करते हैं सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसके अंदर हम आपको किचन दे रहे हैं। किचन का स्पेस भी देखेंगे तो काफी बड़ा आपको किचन का स्पेस मिलने वाला है। मॉडर्न किचन मिलने वाली दोस्तों, एल शेप में किचन मिलने वाली। आप देख सकते हैं किचन का काफी बड़ा स्पेस। ये आपको यहाँ पे आपका छोटा सा ड्राइंग रूम मिल जाता है। आप अपना चाहें तो यहाँ पे सोफा सेट लगा सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल्स वगैरह लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो जो हमारी मॉडर्न किचन रहने वाली है इसके सनमाइके की, सनमाइका व्हाइट एंड ग्रे कलर में आपको यहाँ पे पूरा सनमाइका वर्क देखने को मिलेगा। और किचन के अंदर वेंटिलेशन ना हो तो चिमनी वर्क हम लोग आपको यहाँ पे पूरा इंस्टॉल करके दे रहे हैं। और हमारा जो ये ग्रेनाइट रहने वाला आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है, काफी अच्छे क्वालिटी का हमारा ग्रेनाइट वर्क रहने वाला है। एल शेप में हमारा आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है दोस्तों। और सामने हम लोगों ने यहाँ पे जो आपको टाइल वर्क करके दे रहे हैं व्हाइट कलर में टाइल वर्क करके दे रहे हैं। टाइल आप देखेंगे व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क देखने को मिलेगा। फ्रंट पे जो भी टाइल्स रहेंगे काफी अच्छे क्वालिटी के हमारे यहाँ पे टाइल्स वर्क आपको देखने को मिल जाती है। टैब हमारे सारे अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पे टैब वर्क देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको सिंक का साइज भी काफी अच्छा बड़ा सा आपको सिंक का साइज वगैरह मिल जाता है। हमारे जो किचन में आप देखेंगे बास्केट है सारे अच्छे क्वालिटी के रहने वाले हैं। प्रोफाइल वर्क हम लोगों ने सारा यूज किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने जो हैंडल्स है सारे प्रोफाइल वर्क में हम लोगों ने हैंडल्स में लगाए हुए हैं दोस्तों। जो हमारा किचन रहने वाला है काफी स्पेसियस रहने वाला है। इसमें आपको इतना स्पेस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे फ्रिज वगैरह लगा सकते हैं। काफी स्पेसियस हमारा किचन रहने वाला है। साइज देखें तो दोस्तों काफी बड़ा मिल जाता है आपको। यहाँ पे साइज हम लोग देखेंगे तो काफी बड़ा साइज रहने वाला है। और किचन एरिया का जो डाइनिंग रूम रहने वाला है यहाँ भी हम लोग आपको पूरा फॉल्स सीलिंग डिजाइन वर्क करके दे रहे हैं। आप देख सकते हैं फॉग लाइट ब्लू कलर में LED लाइट वगैरह आपको सारी मिलने वाली दोस्तों। काफी बड़ा अच्छा हमारा एक किचन रहने वाला है। और हम इसके ड्रॉर की बात करेंगे, मैं आपको अपने ड्रॉर्स दिखाऊं तो काफी हैवी क्वालिटी के काफी बड़े हमारे यहाँ पे ड्रॉर मिलने वाले हैं। सारे आप देख सकते हैं जो हम लोगों
लोगों ने यहाँ पे वुडन वर्क यूज किया है, तो काफी अच्छे क्वालिटी का हमारे यहाँ पे वुडन वर्क रहने वाला है। और हम लोगों ने आपको किचन में यहाँ पे एक आप देखेंगे, हम लोगों ने आपको यहाँ पे रैक बना के दे रखा है, आप अपना चाहे तो इसमें एंटीक आइटम्स वगैरह रख सकते हैं। काफी अच्छे क्वालिटी का है, हम लोगों ने इसके अंदर पूरा फॉग लाइट सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है। लाइटें आप देखेंगे तो काफी लाइटें अच्छी लगी हुई हैं। अभी अनकम्प्लीट है, इसके अंदर कुछ वर्क होना बाकी है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि अभी इसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम वर्क बाकी है। 15 से 20 दिन के अंदर हम आपको पूरा रेडी करके देने वाले हैं। 50 गज है, जेड से बना हुआ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों। अगर आप इसको लोन पे भी लेना चाहते हैं तो कम ROI पे इस पे दोस्तों आप लोन भी इजीली ले सकते हैं दोस्तों। 50 गज में विद कार पार्किंग के साथ और नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मुखा रहने वाला है। और बात कर लेते हैं अपने रूम की, यहाँ पे आपको दोस्तों दो रूम मिलने वाले हैं, एक डाइनिंग रूम मिलने वाला है। डाइनिंग रूम मैंने आपको दिखा दिया। रूम के अंदर एंट्रेंस करेंगे तो सबसे पहले अपने गेट की बात करेंगे, तो गेट आप देख सकते हैं, आपको गेट का डिजाइन वर्क आप काफी अच्छा मिलने वाला है। काफी अच्छे कलर का यहाँ पे सनमाइका वर्क मिल जाता है आपको। और हैंडल लॉक भी हम लोग को आप देखेंगे तो हैंडल लॉक भी काफी अच्छे क्वालिटी के हैंडल लॉक्स रहने वाले हैं। और गेट के ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है। वेंटिलेशन वगैरह घुटन वगैरह इस रूम के अंदर भी नहीं रहने वाली है। वैसे तो हम लोगों ने इस रूम में आपको AC फिटिंग दे रखी है, फिर भी इसके अंदर वेंटिलेशन घुटन नहीं रहने वाली। सबसे पहले तो रूम का साइज देखिए, रूम का साइज काफी बड़ा है। आप अपना 6x6 का बेड लगाने के बाद भी सामने अलमीरा लगा सकते हैं, अलमीरा भी हम लोगों ने दे रखी है, तो आप इसके अंदर भी एक अपनी इजी अलमीरा लगा सकते हैं। फ्रंट वॉल पे हम लोग वॉलपेपर का डिजाइन करके देने वाले हैं। अब मैं आपको चारों तरफ वॉल दिखाऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छा पेंट हम लोगों ने इसमें यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी वॉल्स हैं काफी अट्रैक्टिव और शाइनिंग वाली हमारी सारी वॉल रहने वाली है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको AC की फिटिंग दे रखी है, आप अपना इंडोर यहाँ लगा सकते हैं। AC की फिटिंग हम लोगों ने इस रूम के अंदर आपको पूरी करके दे रखी है दोस्तों। और फॉल सेलिंग का डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको एक नए डिजाइन वर्क में पूरा फॉल सेलिंग का डिजाइन मिलने वाला है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा नए डिजाइन में फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। LED लाइट, ब्लू कलर फॉग लाइट, लाइट सारी लगी हुई है और फैन इसके अंदर भी इंस्टॉल आपको हम लोग करके दे रहे हैं दोस्तों। बनने के बाद काफी अच्छी और काफी बढ़िया हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। अभी अनकम्प्लीट है तब इतनी अच्छी है दोस्तों, और जब बन के रेडी हो जाएगी तो काफी अच्छी हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। साइट विजिट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसकी साइट विजिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और मकान आपको पसंद आता है दोस्तों, अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयार भी कर सकते हैं दोस्तों। डोनेबल प्रॉपर्टी है, डाउन पेमेंट कम, डाउन पेमेंट में ये मकान रहने वाला है, छोटा सा डाउन पेमेंट मकान रहने वाला है, डाउन पेमेंट कम है, बहुत कम रहने वाला है। छोटा सा डाउन पेमेंट देखिए दोस्तों इस मकान को अपना बना सकते हैं, बाकी लोन में इजी EMI पे दोस्तों अपना जेट से मकान लेने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसी रूम के साथ में आपको यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको आपका वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। डोर यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है PVC का यूज किया हुआ, 2.5x6 का हमारा PVC का डोर रहने वाला है, तो इसके अंदर भी वेंटिलेशन नहीं रहने वाला क्योंकि वॉशरूम के बाहर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा वॉशरूम में विंडो दे रखी है। विंडो आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं, इसके अंदर वेंटिलेशन नहीं रहना। और टिल एंड तक आप देख लीजिए, टिल एंड तक पूरा टाइल वर्क है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी की टाइल वर्क यूज की हुई है। और नीचे भी आपको पूरा यहाँ पे ग्रेट नाइट वर्क आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा रखा है और टाइल वर्क काफी अच्छा यूज किया हुआ है। इंग्लिश पॉट के साथ यहाँ पे आपका इंग्लिश पॉट रहने वाला है, इंग्लिश पॉट के साथ आपका ये वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। सैनिटरी फिटिंग्स अभी होना बाकी है, जो भी सैनिटरी फिटिंग्स होगी दोस्तों काफी अच्छे क्वालिटी की हमारी सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। गीजर के पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो गीजर के पॉइंट्स यहाँ रहने वाले हैं, शावर पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ दे दिए हैं, आप अपना गीजर शावर पॉइंट्स हम लोग आपको पूरा इसमें लगा कर देने वाले दोस्तों। काफी बड़ा हमारा ये वॉशरूम रहने वाला, और वॉशरूम के बाहर हम लोगों ने एक स्पेस छोड़ा हुआ है जो आपका वॉश बेसिन लगाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ये टाइल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ से पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, हम लोग यहाँ पे आपको पूरा वॉश बेसिन लगा के देंगे। टैप वगैरह हम लोगों ने छोड़ रखा है और पावर पॉइंट पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं, अब अपना इसको चाहे तो अपना पूरा यूज कर सकते हैं दोस्तों। 50 गज में एक रूम आपका, एक मैंने ये डाइनिंग रूम आपको पूरा दिखा दिया है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेकंड रूम, जो सबका सेकंड रूम रहने वाला है वो अटैच बालकनी के साथ रहने वाला दोस्तों। बात कर लेते पहले गेट की, आप गेट देख लीजिए, गेट काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ भी आपको गेट वर्क मिल जाता है। गेट के साथ हैंडल लॉक आपको काफी अच्छे क्वालिटी के हैंडल वर्क मिलने वाले हैं, और इसके अंदर भी वेंटिलेशन ना हो, घुटन ना हो, तो यहाँ भी विंडो दे दी है दोस्तों। हवादार आपका यह मकान रहने वाला है, सफोकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। हम लोग यहाँ से अंदर एंट्रेंस करेंगे तो आप एंट्रेंस करते ही आप देखिए स्पेस, स्पेस 50 गज में काफी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। आप देखिए यहाँ पे अपना डबल बेड भी लगाते हैं तो आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। फ्रंट वॉल पे हम लोग यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर लगा के देने वाले हैं, काफी अट्रैक्टिव और अच्छे डिजाइन में यहाँ पे आपको पूरा वॉलपेपर लगा के देने वाले हैं दोस्तों। फॉल सेलिंग का डिजाइन इस रूम के अंदर भी मिलने वाला है,
हमारे जितने भी रूम है सारे रूम के अंदर कार पार्किंग के अंदर आपको आपके किचन के अंदर सारे फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलने वाला है। ब्लू कलर की एलईडी लाइट, फॉग लाइट प्लस फैन सारे आपको फॉल सीलिंग के अंदर दोस्तों देखने को मिलेंगे। और इस रूम के अंदर हम आपको एक आपको अलमीरा भी दे रहे हैं। अलमीरा का साइज देखिए, काफी बड़ी आपकी अलमीरा का साइज रहने वाला है। आप साइज देख सकते हैं, काफी बड़ी अलमीरा रहने वाली है। सनमाइका वर्क देखेंगे, काफी अच्छे क्वालिटी का सनमाइका वर्क रहने वाला है। और हमें आपको दिखाऊं तो आपकी ये अलमीरा आप देख सकते हैं दोस्तों, अलमीरा देखिए काफी बड़ी रहने वाली है। अलमीरा तो आपको लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, काफी बड़ी अलमीरा दे रखी है दोस्तों। ये अलमीरा आप पूरा यूज कर सकते हैं। और नीचे भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको रैक दे रखा है, आप चाहें तो अपने शूज वगैरह अपना सामान वगैरह इसके अंदर यहाँ पे इजिली रख सकते हैं दोस्तों। काफी बड़ी अलमीरा आपको इस रूम में देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप ढूंढ रहे हैं मेट्रो के नियर अबाउट प्रॉपर्टी जो मेट्रो स्टेशन के पास हो, तकरीबन 1.25 किलोमीटर के बीच में दोस्तों, और चौड़े रोड पे और विद कार पार्किंग के साथ, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए रहने वाली है। लो बजट में प्रॉपर्टी है, कम बजट में प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। अगर ऐसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। मैं आपको दिखा दूं, इस रूम में हम आपको एक एलईडी पैनल दे रहे हैं, अभी इसका फिनिशिंग वर्क होना बाकी है। काफी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ हमारा ये एलसीडी पैनल मिल जाता है। आप देखेंगे एलसीडी पैनल के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छे आपके रैक्स बना रखे हैं। ये काफी अच्छे हम लोगों ने आपको यहाँ पे डॉर्स वगैरह बना के दे रखे हैं। ये डॉर्स वगैरह देखेंगे तो काफी अच्छे हमारे यहाँ पे डॉर्स वगैरह रहने वाले हैं। और यहाँ भी हम लोग आपको पूरा डोर बना के देने, अभी इसके अंदर कुछ अनकम्प्लीट वर्क है जो हम लोग आपको पूरा करके देने वाले। फॉग लाइट्स यहाँ पे पूरी लगी हुई है दोस्तों, ये एलईडी पैनल्स आपको यहाँ मिल जाता है। बात कर लेते हैं अपने बालकनी की, तो मैं आपको बालकनी भी दिखाऊं। तो इस रूम के अंदर जो हम लोग को विंडो मिलने वाली है, विंडो देखेंगे काफी बड़ी विंडो मिल जाती है। यहाँ हम लोगों ने स्पेस छोड़ा हुआ है आपके एसी के लिए, आप एसी लगा सकते हैं। पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ दे रखा है। अगर आपको अपना कूलर वगैरह लगाना है तो कूलर वगैरह के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्विच दे रखे हैं। ये हमारी सारी विंडो मिल जाती है, आप विंडो देखेंगे। यहाँ पे दो शेड में आपको विंडो मिलेगी, डबल पल्ले विंडो मिलेगी। यहाँ जो पहला हम लोगों ने यूज किया है आपको जाली यूज की हुई है। सेकंड जो हमारी विंडो रहने वाली है, हम सेकंड विंडो में आपको यहाँ पे पूरा ग्लास वर्क करके देने वाले हैं। हमारी दो विंडो आपको यहाँ मिल जाती है। हम चलेंगे अपना बालकनी एरिया में और गेट की बात करेंगे तो गेट आपको सेम मिलने वाला है, 3x6 का, काफी अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ भी गेट मिल जाता है। मैं आपको आपका बालकनी एरिया भी दिखा दूं, ये हमारा पूरा बालकनी रहने वाला है। फ्रंट पे हम लोग देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे व्हाइट करके टाइल वर्क मिल जाता है। छज्जे पे आप देखेंगे तो आपको वुडन कलर में पूरा टाइल वर्क मिलने वाला है। फास्टनर्स ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, टाइल आपकी दोस्तों यहाँ पे गिरने वाली नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे आपको टैब लगा रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैब वगैरह मिल जाता है। आप चाहे तो अपना यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह लगा सकते हैं। काफी अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है और लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। इसके अंदर आप 70-80% दोस्तों इसमें बैंक लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। अपने टेरेस एरिया में आपको टेरेस एरिया भी दिखाता हूँ। हम यहाँ से अपना टेरेस एरिया में चलते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे निकलेंगे तो ये हमारे टेरेस एरिया के लिए स्टेयर मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि सेपरेट स्टेयर रहने वाली है। अगर आप इसको एज ए रेंटल पर्पज से भी यूज करना चाहते हैं तो हमारी ये सेपरेट स्टेयर रहने वाली है। ब्लैक ग्रेनाइट प्लस यहाँ पे टाइल वर्क आपको फ्रंट पे ही देखने को मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर के आपको यहाँ पे सामने ही एमसीबी बॉक्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं स्टेयर पे जो हम लोग आपको यहाँ पे ग्रिल लगा के देने वाले हैं, जो हम आपको यहाँ पे रेलिंग लगा के देने वाले हैं। आपको पूरी स्टील की रेलिंग मिलने वाली है दोस्तों। हम चलेंगे अपने टेरेस एरिया पे, मैं आपको अपना टेरेस एरिया भी दिखा देता हूँ दोस्तों। आगे हम अपना टेरेस एरिया पे, ये हमारा टेरेस एरिया रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफी चौड़ा बड़ा हमारा ये टेरेस एरिया रहने वाला है। मैं आपको अपना टेरेस एरिया दिखाऊँ, साइज 15x30 का रहने वाला, तो 30 फुट इसकी लेंथ रहने वाली है। काफी बड़ा आपको यहाँ पे टेरेस एरिया मिल जाता है। लेंटर वाली हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली दोस्तों, लेंटर वाली प्रॉपर्टी है। पिल्लरों पे ये प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, 6 पिल्लर डले हुए हैं, दोनों फ्लोर आपके लेंटर वाले रहने वाले दोस्तों। 500 लीटर का टैंक लगा हुआ है जो समरसिबल के साथ हम लोगों ने अटैच कर दिया दोस्तों। अगर आप दिल्ली जल का कनेक्शन लेते हैं तो हम लोगों ने उसके लिए पाइप ऊपर करके छोड़ रखे हैं, आप उसमें अपना टैंक वगैरह लगा सकते हैं, नीचे से अपना कनेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। 50 गज में है, जेड से बना हुआ है, डुप्लेक्स हाउस रहने वाला दोस्तों। नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ का रहने वाला दोस्तों। लोकेशन हर बार की तरह उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन रहने वाली है। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया तकरीबन 1 किलोमीटर नियर बाय मेट्रो स्टेशन की डिस्टेंस रहने वाली दोस्तों। ऑटो ई रिक्शा आपको यही मिलने वाले दोस्तों। और पार्क भी आपको यहाँ से तकरीबन 100-200 मीटर के बीच में आपको यहाँ से पार्क मिलने वाला दोस्तों। सामने हम लोग आपको यहाँ पे SS की आपको यहाँ पे ग्रिल लगा के देने वाले हैं। सामने आपको SS के यहाँ पे ग्रिल मिलने वाली दोस्तों। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है दोस्तों। अगर इस मकान की आप साइट विजिट करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप देखना चाहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, लोनेबल प्रॉपर्टी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो हमारी पसंद आती है हर बार की तरह, तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच रहे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।